हरिभा उपाध्याय नगर विकास समिति ने क्षेत्र में बढ़ रही चोरी, नकबजनी व बढ़ रहे अपराधों को लेकर अजमेर एसपी को ज्ञापन सौंपा और क्षेत्र में गश्त के साथ ही चौकी में जवानों को बढ़ाने की मांग की गई। ज्ञापन के तुरंत बाद अजमेर एसपी खुद मौका मुआयना करने हरिभा उपाध्याय नगर पहुंचे, जहां उन्होंने प्राइवेट बस स्टैंड व क्षेत्र का दौरा किया। क्षेत्रवासियों की शिकायत थी कि क्षेत्र में प्राइवेट बस स्टैंड बना है, जहां खाना बदोश व अन्य लोगों का जमावड़ा रहता है और चौकी में भी पर्याप्त स्टाफ नहीं होने के चलते क्षेत्र में चोरी की वारदात लगातार बढ़ रही है। क्षेत्रवासियों की शिकायत के बाद अजमेर एसपी ने बताया कि कृष्णगंज थाना पुलिस को विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं चोरी का मुख्य कारण क्या है, इसको लेकर योजना बनाई जा रही है। प्राइवेट बस स्टैंड पर रहने वाले खाना बदोश व अन्य लोगों को यहाँ से हटाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं एडीए से बातचीत कर चौकी के लिए पर्याप्त जगह मुहैया कराने की मांग की गई है, जिससे कि इलाके में एक पुलिस चौकी का निर्माण हो सके और व्यवस्था सुचारू की जा सके। गौरतलब है कि मीडिया ने कृष्णगंज इलाके में लगातार हो रही चोरियों का मुद्दा सुबह उठाया था और दोपहर तक एसपी सहित आला अधिकारी क्षेत्र का दौरा करने निकल गए और चोरी होने की कमियों को लेकर चर्चा की गई। आज हरिभा उपाध्याय विस्तार में रोज चोरियां हो रही थी, तो उसका हम ज्ञापन लेके एसपी साहब के पास गए थे। तो उन्होंने फिर देखा और यहाँ पे पूरा उन्होंने दौरा किया, पूरा विजिट किया और प्राइवेट बस स्टैंड पे जो फालतू के गैस वगैरह चल रही थी, लोग रह रहे थे, वो देखा और जहाँ पे चोरियाँ हो रही थी और दूसरा यहाँ पे चौकी बनाने के लिए भी बात हुई थी, तो उसका निरीक्षण भी करने आए थे। कुल मिला के हम सेटिस्फाइड हैं सर से जो भी उन्होंने किया। प्राइवेट जो बस स्टैंड पे जो लोग बैठे उनका क्या केस है? उनका उनको हटाने के लिए आगे बात करी है, वो पूरा सबको हटा के और फिर उनको क्लीन करवाएंगे, क्योंकि वो इलीगल रह रहे हैं। कैमरे लगाने की बात तो हुई है, मगर ये है कि हम थोड़ा सा कॉलोनी वाले भी फंड इकट्ठा करेंगे। कॉलोनी भी पूरी खुली हुई है, पूरी कॉलोनी वाले फंड इकट्ठा करेंगे और कैमरे लगाने की कोशिश करेंगे। हाँ देखिए, यहाँ पर अभी मेरे पास में यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं वो लोग मिलने के लिए आए थे। उनका कहना है कि यहाँ लगातार कुछ स्पेसिफिक जगह पर चोरियाँ हो रही हैं, तो उन चोरियों की जो भी वजह है उन्हें पता करने के लिए और हम यहाँ क्या कर सकते हैं ताकि इन चोरियों पर लगाम लगे, इसके लिए यहाँ का राउंड किया। हाँ, वो प्राइवेट बस स्टैंड को लेकर के शिकायतें हैं कि वहाँ लोग रुकते हैं, खाना बनाते हैं, जो कि अलाउ नहीं होता ऐसी जगह पर। कोई भी सिलेंडर या कोई भी जो ज्वलनशील पदार्थ होता है वो ऐसी जगहों पर अलाउ नहीं होता। उसके बाद भी वो लोग वहाँ खाना बना रहे थे, ये शिकायत थी। तो वहाँ पर ये सारी जो गतिविधियाँ हैं उसको बंद कराया जाएगा, उसके लिए निर्देश दे दिए गए। लेकिन चौकी में रहने की जगह नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमारा स्टाफ रुक नहीं पा रहा। उसके लिए एडीए से बात की है, एडीए के अधिकारी से बात की है, तो उनके साथ में मिल करके हम कोई और जगह अलॉट कराएंगे, कोशिश करेंगे कि थोड़ा बेटर प्लेस हो जाए जहाँ पर कि हमारा स्टाफ रुक सके।